हेलो गेट्स एंड फ्लावर्स, दिस इज गौरव। एंड यू नो, हमें हमेशा से ये बताया गया है कि डायनासोर्स अगर मीटियोराइट के टकराने से ना मरे होते तब भी शायद वो एक्सटिंक्ट हो ही गए होते बिकॉज ऑफ द लो ऑक्सीजन लेवल्स टुडे। बट डू यू नो कि इनफैक्ट डायनासोर्स तो लेह लद्दाख की पतली हवा में भी बिना हाफे दौड़ने के काबिल थे, जहाँ हट्टे कट्टे इंसान की भी बस चलने भर से सांस फूलने लग जाती है। ऊपर से हमें जुरासिक पार्क जैसी मूवीज के जरिए ये दिखाया जाता है कि अगर हम डायनासोर्स के सामने बिना हिले डुले खड़े रहे तो वो हमें देख भी नहीं पाएंगे। बट व्हाट इफ आई से ये ट्रिक आपकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी आंखें तो छोड़ो, उनके कान तक इतने तेज हुआ करते थे कि बिना किसी एक्सटर्नल ईयर के भी वो आपके पैरों की आहट को सुन सकते थे। यानी हर लिहाज में दे वर टफर देन अस। सो डज दैट मीन कि हम मैमल्स को पैदा करने के लिए ही नेचर ने उनका मैस एक्सटिंक्शन करवाया? वेल, लेट्स फाइंड दैट आउट इन अ टुडेस वीडियो टाइटल्ड डायनोस का अंत, इंसानों का जन्म। आज से करीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का जन्म होता है। वो फिर मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए से एग्जैक्टली अराउंड 25,000 से 27,000 लाइट ईयर्स की सेफ डिस्टेंस पर ही अपना घर बसाता है। देन उसके सेंटर में मौजूद सन बराबर उतना ही साइज और टेम्परेचर पोजेस करता है जितना उसके इर्द गिर्द घूमते प्लैनेट्स को स्टेबल रखने के लिए जरूरी था। साथ ही इस सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स पता नहीं कैसे बट पैदा होते ही अलग अलग वैरायटी के एलिमेंट से भरपूर होते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। और फिर आज से करीब 3 से 4 बिलियन साल पहले इन्हीं प्लैनेट्स में से एक थिया नाम का प्लैनेट हमारी पृथ्वी से आ टकराता है, वो भी एक ऐसे परफेक्ट एंगल पर कि इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द अर्थ इनटू पीसेस, वो भी उसे एक परफेक्ट साइज का चांद गिफ्ट कर देता है, जो कोइंसिडेंटली अगेन आज पृथ्वी से एक परफेक्ट डिस्टेंस पर ही प्लेस्ड है। ये परफेक्ट चांद एग्जैक्टली उतनी ही ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट करता है जिससे पूरी पृथ्वी का भवरे जैसा वॉबल करना भी स्टेबल हो सके और हाई टाइड के वक्त पृथ्वी पर सुनामी जितनी ऊंची लहरें ना पैदा हो। लेकिन इसी बीच स्टेबल होने के बावजूद भी पृथ्वी पर मौजूद जीव समय समय पर मैस एक्सटिंक्शन का सामना करते रहते हैं। एंड फाइनली इन्हीं मैस एक्सटिंक्शन के चलते आफ्टर किलिंग द वंस डोमिनेंट स्पीशीज कलेक्टिवली नोन एज डायनासोर्स, यही पृथ्वी हम जैसे शरीर से कमजोर लेकिन दिमाग से तेज जीवों को बाकी जीवों पर राज करने के लिए पैदा करती है। मतलब व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज आफ्टर सो मेनी पॉजिटिव कोइंसिडेंसेस हम इस पृथ्वी के बादशाह बन पाए। क्योंकि अगर हम डायनासोर से खुद को कंपेयर करें तो उन्होंने पूरे मेसोजोनिक एरा यानी 180 मिलियन सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया है और फिर भी सिर्फ अपने शरीर का ही साइज बढ़ा पाए, दिमाग का नहीं। वही ऑन द अदर हैंड हम इंसान सिर्फ आज से अराउंड 6 मिलियन साल पहले ही इस पृथ्वी पर आए, एंड देन टू हमारा दिमाग बाकी जीवों से कई हजार साल आगे चल रहा है और हम उन पर रूल कर रहे हैं। बट वेट अ मिनट, व्हाट मेड अस सो इंटेलिजेंट सो क्विक? हंटिंग हैबिट्स, खान पान, लव अफेयर्स या फिर कुछ और? वेल, ये कुछ ऐसे ही सवाल है जो इजरायली हिस्टोरियन यूवल नोआ हरारी को भी सता रहे थे और इसीलिए उन्होंने हिस्टोरिकल और साइंटिफिक दोनों तरह की रिसर्चेस का सहारा लेकर एक बुक ही बना दी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आई वुड हाईली सजेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू रीड दिस बुक, ये मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, और एटलीस्ट लिसन टू इट इन ऑडियो फॉर्मेट, क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है जो कन्वेंशनल स्टडी से नहीं बल्कि आपके इंटरेस्ट की बुक्स या बायोग्राफीज की मदद से भी आप गैदर कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुकू एफएम ऐप। कुकू एफएम इंडिया का वो लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 1000 प्लस आवर्स के कंटेंट लाइब्रेरी को एक्सेस करने मिलता है एंड इसका प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस का रेटिंग है बिकॉज कुकू एफएम जानता है कि लाइफ को ऑडियो फॉर्मेट के जरिए एक इजी ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा सकता है। और इस होली ट्रांसफॉर्मेशन में नॉलेज का रंग डालने कुकू एफएम लेकर आया हैशटैग नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग, जहां पर आपको 12th से 20th मार्च के बीच होली 50 कूपन कोड इस्तेमाल करने पर एनुअल सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ मिलेगा, यानी कि 199 रुपीस में आप इसे परचेस कर सकते हो 1 ईयर के लिए, जितने में एक टाइम का स्नैक्स भी नहीं आता है। तो अगर आप भी इस खुशियों की होली पर अपनी जिंदगी में हेल्दी हैबिट्स, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और कलरफुल लाइफस्टाइल के रंग भरना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड कर लो, जहां आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसे ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज से अपनी जिंदगी में एक हेल्दी इंप्रूवमेंट लाने का मौका मिलेगा। साथ ही आप इसमें सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, फाइनेंस, लीडरशिप, करियर एटसेट्रा के जॉनर्स भी पढ़ सकते हो। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो रजिस्टर नाउ। अब जैसे कि हमने बात किया अबाउट हाउ कोइंसिडेंटली डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हुआ और उनके बाद हम अपने तेज दिमाग से इस पृथ्वी पर आ गए, डज दैट डायरेक्टली मीन दैट हम इतने कमजोर है कि डायनासोर्स के होते हुए अपना दबदबा कायम नहीं कर पाए या नहीं कर पाते?
Well, the only way to find that out is to imagine अगर हम भी मेसोजोइक एरा में ही पैदा होकर डायनासोर्स के कंपटीशन में खड़ा होते. Well, आज से करीब 250 मिलियन साल पहले at the end of the Permian period, जब ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम सीमा पर थी, तब उस वक्त जी रहे करीब 96% जीव एक ग्लोबल मास एक्सटिंक्शन का शिकार हो गए और एक नई प्रजाति के जीवों का जन्म होने लगा जो कि एक टफ शरीर और इनबिल्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम के मानव साथ ही पैदा हुए थे, विच लेड टू द पार्ट ऑफ द मेसोजोइक एरा और सिंपली डायनासोर्स का जमाना. ये वो समय था जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते पोलर आइस पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था, आधे से ज्यादा जमीन पानी के नीचे समा चुकी थी और गर्मी से ट्रिगर होते फॉरेस्ट फायर्स मानो कोई आम बात हुआ करते थे. इनफैक्ट इन बार बार ट्रिगर होते फॉरेस्ट फायर से तो उस वक्त का एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर भी करीब 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 21 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच झूला करता था. कंपैरिजन के तौर पर इतनी हाई गर्मी चिल्लाने के बावजूद भी द करंट एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज जस्ट 13.9 डिग्री सेल्सियस. यानी आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त एटमोस्फियर में ह्यूमिडिटी कितना ज्यादा हुआ करती होगी, माथे से पसीने टपकने लग गए, राइट? अगर हम उस युग में पैदा हुए होते तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए असल खतरा क्लाइमेट नहीं बल्कि डायनासोर्स होते. बट वेट अ मिनट, वैसे तो आज भी शेर भालू जैसे कई जीव इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं, फिर भी हम उनको तो कंट्रोल कर ही लेते हैं, है ना? सो आखिर डायनासोर से हमारे एग्जिस्टेंस को इतना खतरा क्यों होता? क्यों हमारे जिंदा रहने के लिए उनका मरना जरूरी हुआ? हमारे जिंदा रहने के लिए किन बेसिक चीजों की जरूरत होती है पता है? फूड, वाटर, देन शेल्टर मे बी, और क्या क्या? क्लोदिंग ना, इतनी गर्मी और उमस में आई डोंट थिंक एनी ह्यूमन वुड प्रेफर वेयरिंग दैट. तो फिलहाल सिर्फ पहले तीन की ही बात करते हैं. फूड, हमें चाहिए एनर्जी, वाटर फॉर मेटाबॉलिज्म और शेल्टर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अदर प्रेडेटर्स एस्पेशली कार्निवोरस डायनासोर्स लाइक द टीरेक्स, रैप्टर्स एंड सो ऑन. अब इनमें से एक बार के लिए चुपचाप हम अपनी पानी और शेल्टर का बंदोबस्त तो फिर भी कर सकते हैं क्योंकि कई नेचुरल केव फॉर्मेशंस में सीलिंग और पेड़ों के रूट से रिसता हुआ पानी इस तरह मिट्टी से छान के आता है कि उसे बिना उबाले पिया जा सकता है, विच मींस फ्रेश वाटर एंड शेल्टर बोथ आर सॉर्टेड. लेकिन खाओगे क्या? क्योंकि अपनी गुफा से बाहर निकलते ही हर जगह आपको चिकन्स के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव्स यानी कि टीरेक्स और अन्य मांसाहारी डायनासोर्स अपने पीड़ित रिश्तेदारों का बदला लेने के लिए आपको खोजते नजर आएंगे. बट यार देखो, डर सभी को लगता है, गला सबका सूखता है, मगर डर के आगे तो जीत है ना. सो लेट्स गैदर सम गट्स एंड मेक आवर मूव. हाँ, मगर स्टे लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम शिकार करने निकले और खुद ही शिकार बन गए. बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च, जुरासिक पार्क का ये सीन सरासर झूठ है. डायनासोर्स की देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति किसी इंसान से कई गुना अच्छी हुआ करती थी. सो मच सो कि अगर आप उनकी चील जैसी पैनी नजर को चकमा दे भी देते तब भी आपके कदमों की लो फ्रीक्वेंसी आवाज और शरीर की स्मेल उन्हें मीलों दूर से ही आपके आने का पैगाम दे देती. बट लेट्स जस्ट से कि आप किसी तरह से उनके बेहद करीब पहुंच भी जाते हो एंड यू शूट योर आर्म्स और भाला ऑन टू देम. वेल, मटन तो खाने मिलेगा लेकिन आपका, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, मेसोजोइक एरा एक काफी टफ क्लाइमेटिक कंडीशन वाला दौर था जिसके कारण मेनी डायनासोर्स हैड अ वेरी थिन स्किन, ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल. यानी आपके भाले और एरोज उन पर घाव तो करेंगे लेकिन उनकी जान लेने के लिए आपको मल्टीपल वार करना पड़ेगा, वो भी तेजी से. नहीं तो पता चला निकले थे जानलेवा वार करने और बदले में अपनी पोजीशन बता के आ गए. बिसाइड्स, इवन इफ यू मैनेज टू किल अ डायनासोर, उससे इतना ज्यादा मीट आपको मिलेगा कि आप उसे एक बार में खा भी नहीं पाओगे और रात के खाने के लिए भी बचा कर नहीं रख पाओगे. Because they have a very sharp sense of smell, remember? यानि in all इतनी जान पर खेलकर शिकार करने का और इतनी मगजमारी के बाद मिलेगा तो भी क्या? बस ज्यादा से ज्यादा एक टाइम का खाना? So इस सब में अब और कौन से फूड ऑप्शंस हमको मेसोजोइक एरा में मिल सकते थे? Let's check that out. Dinosaurs के अंडे, उसमें बहुत सारा प्रोटीन तो है मगर खिसियाई हुई माँ से पंगे कौन ले? Fishes, आइडिया अच्छा है मगर उस वक्त फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर्स की वजह से ऑक्सीजन लेवल्स काफी ड्रॉप हो गया था, जिससे ऑक्सीजन सिर्फ समुद्र के ऊपरी लेयर्स तक ही डिसॉल्व हो पाता था. इससे होता यह था कि सभी समुद्री जीव ज्यादातर शैलो वाटर्स में ही तैरा करते थे, इंक्लूडिंग द एपेक्स मरीन प्रेडेटर द मोसासोर स्पीशीज. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नो वे, फ्लावरिंग प्लांट्स ने पृथ्वी पर अपना पैर पसारना शुरू किया था ड्यूरिंग द लेट मेसोजोइक एरा यानी क्रेटेशियस पीरियड में, और इसीलिए उनके फ्लावर्स और फ्रूट्स खाने लायक तो छोड़ो, फ्लावर्स फ्रूट्स कहने लायक भी नहीं थे. देन व्हाट एल्स?
मशरूम्स वो डायनासोर्स के वक्त तो जरूर हुआ करते थे, बट एज यू नो उनमें पॉइजनस कौन से है और नॉन पॉइजनस कौन से है ये आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ आपको एक ही मौका मिलता है। करेक्टली आइडेंटिफाई किया तो एक बार के लिए भूख मिटेगी, और अगर गलत आइडेंटिफाई किया तो हमेशा के लिए भूख मिटेगी। यानी इन ऑल सेंस मेसोजोइक पीरियड में क्लियर डोमिनेंस सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स का ही हो सकता था, और प्रॉबेबली उसी वजह से नेचर ने उस एरा के टफ क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए उनको चुना, हमें नहीं। बट अगर उनके समय में उनके पास एडवांटेजेस थे तो डज दैट मीन कि प्रेजेंट टाइम्स में हमें एडवांटेजेस मिल सकते हैं? वेल, ऐसे कई रिसर्चर्स हैं जो पहले ये मानते थे कि विशाल डायनासोर्स अगर आज से 65 मिलियन साल पहले विलुप्त नहीं भी हुए होते तब भी वो प्रेजेंट के लो ऑक्सीजन लेवल्स के चलते विलुप्त हो ही जाते। बट लेट मी टेल यू दैट रीसेंट रिसर्च के अनुसार ऐसे कहने वालों के स्टेटमेंट्स में दो खामियां हैं। नंबर वन, थ्रू आउट द मेसोजोइक एरा बढ़ते पेड़ पौधों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इवेंचुअली घटा तो सही, एंड इससे इवन एटमोस्फियरिक ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ने लगा, बट बिफोर द डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10-15% तक ही बढ़ पाया। कंपैरिजन के लिए द करंट एवरेज ऑक्सीजन लेवल इज 21%। नंबर टू, डायनासोर्स का साइज बड़ा हुआ करता था। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें बहुत हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती थी। उनके लंग्स के आसपास बर्ड्स की तरह एयर सैक्स हुआ करते थे जिनकी मदद से लंग्स में O2 CO2 एक्सचेंज होने से पहले ही वो फ्रेश हवा भर के रखते थे। इसका फायदा ये होता था कि हर बार लंग्स में हाईली ऑक्सीजनेटेड हवा ही जाती थी, अनलाइक अस जिनमें हर एक्सेलेरेशन के वक्त कुछ अमाउंट ऑफ CO2 लंग्स में ही रह जाता है और उसे निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली एक लंबी सांस लेनी पड़ती है। यानी बेसिकली बात बस इतनी है कि हमारे युग में भी वो फिजिकली हमसे ज्यादा केपेबल साबित होते एंड वुड हैव कम आउट एज एपेक्स प्रेडेटर्स ऑफ आवर वर्ल्ड टू, अनलेस ऑफ कोर्स वी यूज सम हाई एंड वेपन्स। विदाउट देम आई थिंक ये हर कोई मानेगा कि हमारे जन्म के लिए उनका मरना जरूरी था। खैर, What is your opinion on this? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। Get Set Life Fact चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सके। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। होली ऑफर को यूज करो और 50% ऑफ यानी कि 199 रुपीज में इसके साल का सब्सक्रिप्शन पाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू इन अनदर वन फ्रेंड्स, टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।